वर्ष 2021 में घाटकोपर के संजय नगर में हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी सलमान आखिरकार हुआ गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से किया गया 2 साल बाद इस आरोपी को गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। घाटकोपर के संजय नगर में स्थित मच्छी चाल है और यहां पर 9 फरवरी 2021 के दिन एक वारदात हुई थी, जो वारदात रात करीब 9:30 से 10:30 बजे के दरमियान हुई थी। इसमें आरोपी जो तमाम 9 लोग थे उनके खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया था, लेकिन उसमें एक आरोपी फरार चला था। आपको बता दें मामला क्या था। तो मामला इस प्रकार था कि इसमें जो शिकायत करता है अब्दुल करीम शेख, ये उस जगह पर खड़े हुए थे, तभी मोइनुद्दीन खान उर्फ टोटू आता है और उसके साथ में उसके एक साथी आरोपी है जिसका नाम रमज़ान है, वो उसे वहाँ पर बबला करके लोग जानते हैं, वो भी आता है और वो दोनों इन फरियादी के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगते हैं। आपको बता दें पुराने कुछ आपसी रंजिश का ये मामला था, लेकिन इस पूरे मामला के बाद जो इसमें फरियादी है उनके भाई वहाँ से गुजरते हैं, जिनका नाम मृतक कयूम शेख है। वो कयूम शेख मदद के लिए आते हैं, लेकिन कयूम शेख को देखकर ये जो दोनों आरोपी है ये अपने साथियों को ले आते हैं, जिन साथियों के हाथ में धारदार हथियार होता है। उन साथियों की पहचान पुलिस ने तौफीक, मोहसिन, सलमान, आलू, कल्लू, सुल्तान, शहनवाज और पप्पू के रूप में हुई है। ये सभी आते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से मृतक कयूम शेख को मारना पीटना शुरू कर देते, जिसमें काफ़ी बुरी तरीके से कयूम शेख घायल होता है और घायल होने के बाद उसे बाद में मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों लोगों को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन एक आरोपी जो सलमान खान उम्र 22 वर्ष है, ये आंध्र प्रदेश का है और वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया, ये फरार हो गया था, जिसके बाद अलग अलग ठिकानों पर CDR के तहत पुलिस लोकेशन ट्रेस कर जाती तो ज़रूर थी, लेकिन पुलिस को किसी भी तरीके का कोई इसको पकड़ने में आसानी नहीं हो रही थी। और इसके बाद अलग अलग ठिकाने बदलने के बाद आंध्र प्रदेश से आखिरकार इस सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें हमारे सोर्सेस से मिली जानकारी के अनुसार जो मृतक कयूम है उनके भाई जो इसमें रहीम उर्फ बाबा है, ये बाबा का और फरीदा का कुछ काफ़ी पुराने सालों से विवाद चल रहा था और ये विवाद के कारण ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नशे का ये पुराना जो तार था, ये तार के तहत कयूम शेख की हत्या हुई और कयूम शेख की हत्या के बाद एक आरोपी जो फरार चल रहा था उसे आखिरकार आंध्र प्रदेश से घाटकोपर पुलिस ने ढूंढ निकाला। इसमें तभी उस वक्त के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थे जितेंद्र आगरकर और उनके बाद संजय ढाके, फिर अभी जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है बलवंत देशमुख, इनके तमाम प्रयासों के बाद उनकी टीम ने आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले ये जो पूरी वारदात हुई थी इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 450, 143, 145, 147, 148, 149 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था और साथ ही साथ 506(2) और 437 के तहत भी अलग अलग धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट और MCOC के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन ये कार्रवाई के बाद भी ये आरोपी आखिरकार सुधरने की बजाय परिसर में अपना आतंक जमाने के लिए और नशे को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बार इस तरीके की वारदात को इससे पहले भी अंजाम दे चुके हैं और ये अंजाम देने के बावजूद पुलिस प्रशासन की नाक में दम करते हुए इन्होंने आखिरकार हत्या तो किया, लेकिन ये पुलिस के हत्थे तो चढ़े हैं, लेकिन ये देखना है कि ये परिसर जिस तरीके से नशे की मंडी को लेकर जाना जाता है और हाल ही में 1 साल ही बीता है वहाँ पर एक बीट चौकी का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन नए नियुक्त उस वक्त के कमिश्नर और अभी भी फिलहाल वो नियुक्त है आयुक्त विवेक फंसालकर ने किया था और उनके साथ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के प्रयासों के कारण, और वहाँ पर अभी तत्कालीन जो विधायक है दिलीप लांडे, उन्होंने रिबिन तो काटा था, लेकिन रिबिन काटने के बावजूद अब तक उस पूरे परिसर में CCTV नहीं लगा हुआ है, जिसको लेकर RTI एक्टिविस्ट जो यूसुफ खान है उन्होंने मांग भी किया, लेकिन अब तक CCTV उस परिसर में नहीं लगा है और नशा बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो इसमें बलवंत देशमुख जी है उनसे अपील है कि इस पूरे मामलात को अभी भी संज्ञान लें, क्योंकि जो आरोपी है ये आरोपी अभी भी मंसूबा बना रहे हैं और सोर्सेस से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसमें हम दूसरी जानकारी बता दें, इसमें जो पुलिस ने
इस पूरे मामलात को लेकर 2 सालों से प्रयास कर रही थी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। इसमें मार्गदर्शन रहा तपास अधिकारियों का, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक मुलानी है, पुलिस हवलदार शिंदे, पुलिस नायक सालुंके, पुलिस सिपाही जगताप, पुलिस सिपाही बनकर, पुलिस सिपाही काले और महिला पुलिस सिपाही रूपाली हावले, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश पुलिस के पुलिस सिपाही बदरुद्दीन शेख, ये तमाम लोगों की टीम ने ये पूरे घटनाक्रम को आखिरकार जो है ख़त्म किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।